योगेश्वरी चाहे रूप नगर के कितने भी समीप क्यों ना पहुंच जाए, किंतु रणवीर सिंह के होते हुए वो कभी भी रूप नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हमें तुम्हारी बुद्धिमता पर गर्व है नागराज। हम दुर्गेश्वरी की सहायता करेंगे, किंतु गुप्त रूप से। हम शीघ्र जानना चाहते हैं, आप हमारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे या नहीं। अभी तुम बहुत क्रोधित हो ज्वाला, इसलिए इस समय कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यदि उन दोनों की दुर्गेश्वरी से भेंट हो गई तो वो उसे आगाह कर देंगे कि हम दुर्गेश्वरी को जंगल में खोज रहे हैं। इतना सुनते ही दुर्गेश्वरी रूपनगर के घने जंगलों में लुप्त हो जाएगी। कुछ ही देर में अमावस की रात का घोर अंधेरा छाने वाला है। इससे पहले कि अमावस की रात को अंधेरा छाए, तुम दोनों मेरे से दूर हो जाओ। किंतु क्यों, हम तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। रानी माँ, वनराज शीघ्र ही रूपनगर से लौट आएगा, और जब वो चंद्रमुखी के फूल के साथ लौट आएगा तब आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कल अमावस की काली रात थी, परंतु अमावस की काली रात वनराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, परंतु अमावस का प्रकोप वनराज के हाथों किसी भी मनुष्य की हत्या अवश्य करवा सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा आप अकेले आए हैं? रानी माँ कहाँ है? वो अभी अभी आपसे मिलने मंदिर की ओर गई है। मेरी अभी महारानी से पथ पर भेंट हुई, और मुझसे भेंट करके वो अपनी कुटिया की ओर चली गई। बाबा, रानी माँ बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। हमने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। बाबा, रानी माँ इतनी चिंतित क्यों है? क्या उन्होंने आपसे कुछ बताया? कस्तूरी, महारानी की चिंता का कारण वही अमावस्या के काली रात जो बार बार आकर वनराज के हाथों किसी भी मनुष्य की मृत्यु करवा देती है, और इसीलिए महारानी चिंतित होकर वनराज की कुशलता जानने के लिए मेरे पास आई थी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कल रात वनराज के साथ फिर कोई अनहोनी घटना हुई होगी। क्या वनराज ने रूपनगर के जंगलों में किसी मनुष्य की हत्या कर दी है? हाँ कस्तूरी, मेरी ज्योतिष विद्या का अनुभव तो यही कहता है। अमावस की काली रात का प्रकोप वनराज की सुध-बुध छीन लेता है, और वो मनुष्य से दानव के रूप में आकर अपने सामने आने वाले किसी भी मनुष्य को देखते देखते समाप्त कर देता है। ना चाहते हुए भी वनराज को मानव हत्या जैसा घोर अपराध करना पड़ता। बाबा, वनराज के हाथों और कितने मनुष्य मारे जाएंगे? पता नहीं कस्तूरी, वनराज रूपनगर के निकट पहुंचने ही वाला है, पर यदि भाग्य प्रबल रहा तो वो शीघ्र ही रूपनगर की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। और जब तक वो रूपनगर में प्रवेश नहीं कर जाता, पता नहीं उसके हाथों और कितने मनुष्यों की मृत्यु लिखी है। हम विधाता से हर दिन प्रार्थना करते हैं कि वनराज रूपनगर पहुंचकर अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, किंतु विधाता भी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। बाबा, अब हमसे महारानी जी के कष्ट नहीं देखे जाते। हमारा वश चलता तो महारानी जी के कष्ट हम ले लेते। कस्तूरी, तुम्हारे चाहने से किसी के कष्ट दूर होने वाले नहीं है। सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और यही विधि का विधान है, और उसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। निशात्री, तुम अचानक यहाँ कैसे, और तुम इतनी विचलित क्यों दिखाई दे रही हो? हुजूर, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने हमारे एक सैनिक को पूर्व दिशा में मृत अवस्था में देखा है। क्या क्या ये तुम क्या कह रही है निशात्री? तुमने हमारे एक सैनिक को मृत अवस्था में देखा है? परमवीर, पता लगाओ हमारे बीच हमारा कौन सा सैनिक उपस्थित नहीं है। भाई जी, यदि निशाचरी सत्य कह रही है तो कदाचित दुर्गेश्वरी हमारे नेत्रों से ओझल हो गई है, और उसी ने हमारे किसी सैनिक को मारा है। नहीं हुजूर, हमारे उस सैनिक को किसी मनुष्य ने नहीं, अपितु एक भयानक पशु ने मारा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुमने किसी पशु को उसे मारते हुए देखा है?
नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं है, किंतु उस सैनिक की अवस्था देख के पता चल रहा था कि उसे किसी भयानक पशु ने अपने नाखूनों से चीर कर मार डाला है। यदि कोई हिंसक पशु हमारे सैनिक पर आक्रमण करता तो हमारे दूसरे सैनिकों को इसकी सूचना होती, क्योंकि हमारे कोई भी सैनिक अकेले नहीं रहता, समस्त सैनिक 15-20 के समूह में रहते हैं। और कोई भी पशु किसी समूह पे कभी आक्रमण नहीं कर सकता। निशाचरी के नेत्र को अवश्य कोई भ्रम हुआ है भाई जी। तुम सत्य कह रहे हो परमवीर, यदि कोई हिंसक पशु हमारे सैनिक पर आक्रमण करता तो हमारे दूसरे सैनिक उसके बचाव के लिए अवश्य आगे आते, किंतु हमारे किसी भी सैनिक को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, यदि सोते हुए कोई हिंसक पशु हमारे सैनिक को उठाकर ले गया हो तो इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं भाई जी, कोई भी पशु हमारे डेरे के भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे डेरे में रात में आग जलती रहती है और कोई भी पशु आग के समीप नहीं आ सकता। हमें तो ऐसा लगता है कि यह दुर्गेश्वरी की कोई नई चाल है, छल कपट करके उसने हमारे सैनिक को मार डाला है। हम अभी और इसी समय जंगल जाते हैं और इस रहस्य का पता लगाते हैं। चलो सैनिकों। मैं सत्य कह रही हूँ हुजूर, मेरा विश्वास कीजिए, हमारे सैनिक को दुर्गेश्वरी ने नहीं अपितु उस भयानक पशु ने ही मारा है। तुम अपनी दृष्टि को और तेज करो निशाचरी, हमारे सैनिक को कोई हिंसक पशु नहीं मार सकता, हमारे सैनिक को अवश्य ही उस दुर्गेश्वरी ने मरवाया है। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा, अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। डाकू दुर्गेश्वरी हमारे हाथ से निकल कर नहीं जानी चाहिए, वो इस जंगल में जहाँ भी है उसका पता लगाकर शीघ्र से शीघ्र हमें इसकी सूचना दो। जी हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, अब निशाचरी की दृष्टि से इस रूपनगर के गुप्त जंगल में कोई भी नहीं छिप सकता है। युवती चली जा रही है, कदाचित वो हमारे कुछ काम आ सकती है। सैनिकों, उसे हमारे पास बुलाओ। ए युवती, इधर आओ। तुमको हमारे हुजूर बुला रहे। कहिए हुजूर, आपने हमें क्यों बुलाया है? पहले तुम बताओ, क्या तुम यहीं की रहने वाली हो या कहीं दूर गांव से आई हो? हम तो यहीं के रहने वाले हैं हुजूर, किंतु आप हमें यहाँ के रहने वाले नहीं लग रहे हैं। लगता है अपना पथ भटक गए हैं। क्या आप कहीं जाने का मार्ग जानना चाहते हैं? बहुत समझदार लगती हो। क्या नाम है तुम्हारे गाँव का? जी चंपापुर। किंतु आपको हमारे गांव से क्या लेना देना है? आप अपना कार्य बताइए और यहाँ से चलते बनिए। बताते हैं युवती, इतनी सी बात पर इतना बुरा क्यों मान रही हो? लगता है तुम हमारी शक्ति को नहीं जानती, अन्यथा हमारे सारे सवालों के जवाब तुम सीधे सीधे दे देती। अच्छा, हम आपको अतिथि जानकर मान दे रहे हैं और आप हमें ही डराने का प्रयत्न कर रहे हैं? हम वनवासी किसी से डरते नहीं है, कोई कार्य हो तो बताइए, नहीं तो हम चलते हैं। ठहरो युवती। तुम्हारी निडरता से हम प्रसन्न हुए। क्या तुमने हमारे सैनिकों के जैसे किसी व्यक्ति को इस जंगल में देखा है? हाँ, हमने अभी अभी उत्तर दिशा की ओर एक नए व्यक्ति का शव पड़ा देखा है।
और उसके शरीर पर सैनिकों के ही वस्त्र थे। क्या लगता है हमारी खोज पूरी हो गई? तो आप अपने उस अभागे सैनिक की खोज में निकले हैं? उस अभागे को अब आप ढूंढकर क्या करेंगे? उसकी तो किसी जंगली हिंसक पशु ने बहुत बुरी गति कर दी है। यानी निशाचरी जो कह रही है वो पूर्ण सत्य होने वाला है। अब तो हमें भी यह विश्वास होने लगा है कि किसी भयानक पशु ने हमारे सैनिक की बलि ली है, किंतु हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो कौन सा सैनिक हो सकता है और किस भयानक पशु ने उसे इतनी निर्ममता से मारा है। उस सैनिक का शव यहाँ से बस कुछ ही दूर पर है, आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो युवती कि हमें किस और जाना होगा? आप यहाँ से सीधे सीधे चले जाइए और यहाँ से कुछ ही दूर आपको उसके दर्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद युवती। सैनिकों चलो। कहाँ तक भागोगे? अब तुम सब लोगों का वही हाल होगा जो उस अभागे सैनिक का हुआ है। हुजूर हुजूर ये तो अपना मलखा सिंह है। अनर्थ हो गया, हमारा एक साथी योद्धा मारा गया। न जाने किस हिंसक पशु ने हमारे मिल्खा सिंह की यह दुर्गति की है। वो जहां भी हो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हजूर वो कितना भयानक पशु होगा जिसने हमारे साथी को इतना निर्ममता पूर्वक मारा। अवश्य ये कोई हिंसक पशु ही होगा, किंतु हम उसे कहीं ना कहीं से खोज निकालेंगे। तुम जाकर मिल्खा सिंह के परिवार वालों को इसके मृत्यु की दुखद सूचना दे दो और अपने साथी की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। हम जंगल में उस हिंसक पशु की खोज करने जा रहे हैं, वो हमें आसपास ही कहीं मिल सकता है।
भयानक दानव है जो पशु बनकर मनुष्य की निर्ममता पूर्वक हत्या कर देता है। इसे नहीं मिल्खा सिंह अभी हत्या कर दी थी तो ये यहां क्या कर रहा है? परमवीर सिंह जैसा योद्धा उस युवराज से भयभीत होकर वापस क्यों भाग गया? और परमवीर ये क्यों कह रहा था कि वो युवराज पशु बनकर मनुष्यों की हत्या कर देता है? भला एक युवराज मनुष्य से पशु कैसे बन सकता है? कोई ना कोई रहस्य अवश्य है और इस रहस्य का पता केवल परमवीर से ही चल सकता है। भाई जी अनर्थ हो गया है। भाई जी वो नरभक्षक यहां भी पहुंच गया। तुम कौन से नरभक्षक की बात कर रहे हो परमवीर? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हारे साथ जो सैनिक थे वो कहां है? हमने सैनिकों को रूपनगर वापस भेज दिया भाई जी, क्योंकि पथ में हमें हमारे सैनिक मिल्खा सिंह का शव मिल गया था। वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गए हैं। मिल्खा सिंह को भी उसी भयानक पशु ने मारा है भाई जी, जिसे हम अभी देख कर आ रहे हैं। क्या तुम उसी नरभक्षक पशु की बात कर रहे हो जिसने हमारे सैनिक को मारने का साहस किया है? परमवीर शीघ्र बताओ वो पशु कहाँ है, हम तत्काल ही उसका वध कर देंगे। भाई जी वो पशु ने अब मनुष्य का रूप ले लिया है और वो तीव्र गति से रूपनगर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हैं परमवीर? भला एक पशु मनुष्य बनकर रूपनगर की ओर कैसे जा सकता है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो कोई साधारण जीव नहीं है भाई जी, वो वही युवराज है जिसने हमें और लोहा सिंह को अपने प्राण बचाकर भागने पर विवश कर दिया था। निशाचरी बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसी ने हमारे सैनिक को मार डाला है। यदि वो नरभक्षी गुप्त मार्ग से रूपनगर की ओर बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है परमवीर। हमें शीघ्र से शीघ्र उसे रोकना होगा, अन्यथा हमारे लिए और संकट पैदा हो जाएंगे। उस दैत्य को रोकना असंभव है भाई जी। लोहा सिंह जैसा महाबली उसके आगे हार गया था, वो तो हम दोनों का भाग्य उस दिन प्रबल था जो हमारे प्राण बच गए। किंतु इस तरह हाथ पर हाथ धरे रखने से भी तो काम नहीं चलेगा परमवीर। यदि वो पशु शक्ति से हमारे वश में नहीं आएगा तो हमें छल से उसे फांसना पड़ेगा। इससे पहले कि वो पशु हमें और हानि पहुंचाए, हमें उसे पकड़ने के लिए कोई ठोस योजना बनानी होगी। आओ परमवीर, देखते हैं वन मानुष है कहां। चलो हमारे साथ। आप समझ में आया, उस युवराज से परमवीर सिंह जैसा योद्धा क्यों डरकर भाग गया? इस बात की सूचना हुजूर तक पहुंचानी होगी। हुजूर यहाँ? प्रणाम हुजूर। तुम आ गई मंद्रा, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब शीघ्र बताओ मंत्रीवर और उनके भाई की क्या गुप्त सूचना लाई हो? इस समय मंत्रीवर रणवीर सिंह और उनके भाई रूपनगर के जंगलों में किसी वनमानुष को खोजते हुए उसका पीछा कर रहे हैं हुजूर। क्या मंत्रीवर किसी वनमानुष को खोज रहे हैं? ये तुम कैसी विचित्र सूचना लाई हो मंद्रा? भला मंत्रीवर अचानक डाकू दुर्गेश्वरी को भूलकर किसी वनमानुष का पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बात को समझ में नहीं आई। मैंने मंत्रीवर और उनके भाई के बीच हुई बातचीत बड़े ध्यान से सुनी थी। परमवीर सिंह मंत्रीवर को बता रहे थे कि ये वनमानुष अचानक मनुष्य और मनुष्य से अचानक एक भयानक पशु में तब्दील हो जाता है हुजूर। कहीं तुम उस युवराज की तो बात नहीं कर रही हो जिसने परमवीर सिंह और लोहा सिंह पर आक्रमण किया था? मैं उसी की बात कर रही हूँ। परमवीर सिंह को कहते हुए सुना था कि एक बार उसे और लोहा सिंह को इस दानव युवराज से प्राण बचाकर भागना पड़ा था। अब हमारी समझ में आ गया है, ये वही युवराज है जिसने पिछले दिनों रूपनगर में हाहाकार मचा दिया था। किंतु अब ये गुप्त जंगलों में क्यों आया है? मैं इतना तो नहीं बता सकती, किंतु इतना जरूर पता चल गया है कि वो दानव मंत्रीवर के एक सैनिक को मारकर तेजी से रूपनगर की ओर बढ़ा चला आ रहा है।
रूपनगर की ओर बड़ा चला रहा है। महामहिम, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो वनमानुष हमसे भी टकरा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री वर के ऊपर आया हुआ संकट हमारे ऊपर आ जाए। हमको समझे नहीं नागराज, मंत्री वर का संकट हमारे ऊपर कैसे आएगा? महामहिम, उस वनमानुष को खोजते हुए मंत्री वर और परमवीर सिंह हमसे अवश्य टकरा जाएंगे और हमें देखते ही मंत्री वर उस वनमानुष को जीवित या मृत पकड़ने का आदेश दे देंगे। यदि ऐसा हो गया महामहिम, यदि ऐसा हो गया तो हम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अकाल मृत्यु को। घबराओ मत नागराज, हमारे पास इसका भी तोड़ है। मंद्रा, तुम जाओ और इस युवराज का रूप धारण कर दो और मंत्रीवर को और दहशत में डाल दो। तब तक हम यहाँ कोई योजना बनाते हैं और याद रहे, गुप्त सूचना मिलते ही हमें सूचित कर देना। आप निश्चिंत रहिए हुजूर, मंद्रा के होते हुए आप पर कोई संकट नहीं आएगा। चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। नागराज, इस तरह घबराने से कोई कार्य नहीं बनेगा। चलो योजना बनाते हैं। अब शगुन हो गया महामहिम, अब शगुन हो गया। वो देखिए, मंत्रीवर अपने भाई और सैनिकों के साथ चले जा रहे हैं। यदि उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। हमें तत्काल इस अवसर का लाभ उठाकर यहां से वापस भाग जाना चाहिए। नहीं नागराज, नहीं, यही तो वो अवसर है जिसका हमें तत्काल लाभ उठा लेना चाहिए। अब देखो, हम मंत्रीवर पर ऐसी चाल चलेंगे कि मंत्रीवर चारों खाने चित हो जाएंगे। मंत्रीवर, ठहरिए मंत्रीवर, मंत्रीवर, मंत्रीवर। क्या बात है राजवीर, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मंत्रीवर, कल रात को हमने उस भयानक युवराज को देखा जो पशु बनकर मनुष्य पर आक्रमण करता है। क्या, कहाँ है वो भयानक पशु? तुमने उसे कहाँ देखा? वो इसी गुप्त जंगल में घूम रहा है। कल रात उसने हमारे एक सैनिक मिल्खा सिंह को हमारे नेत्रों के सामने मार डाला। वाह, और तुम दोनों कायरों की भांति हमारे सैनिक को मरते हुए देखते रहे। क्या तुम मिल्खा सिंह को बचा नहीं सकते थे? मंत्रीवर, हमने हमारे सैनिकों को बचाने का प्रयत्न किया था, किंतु वो युवराज हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि हम हमारे प्राण बचाकर नहीं भागते तो युवराज हमें भी समाप्त कर देगा। समझ में नहीं आता वो कौन से ग्रह का प्राणी है। तुम जैसे योद्धा के मुख से ऐसी कायरता भरी बातें सुनकर हमें बहुत दुख पहुंचा है राजवीर। यदि तुम साहस करते तो आसानी से उस युवराज को अपने वश में कर सकते थे, क्योंकि वो युवराज सिर्फ उन्हीं पर आक्रमण करता है जो बेचारे निर्बल होते हैं। नहीं नहीं मंत्रीवर, हमने उस पशु की भयानक शक्ति को स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। हमने हमारे सैनिकों को बचाने के लिए उस पर आक्रमण किया था, किंतु उसके भयानक पशु रूप को देखकर हमारा साहस टूट गया मंत्रीवर, और हम दोनों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। बहुत लज्जा की बात है कि तुम दोनों एक साधारण से पशु से डर गए। यदि तुम्हारी इस कायरता का पता महाराज को चला तो वो तुम्हें इस बात का दंड भी दे सकते हैं। तुम दोनों वीर योद्धा कहलाने के लायक ही नहीं हो राजवीर। यदि तुमने उस साधारण से युवराज को अपने वश में कर लिया होता, रूपनगर के इतिहास में तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता। राजवीर, हम तो अब भी कहते हैं कि तुम कोई ऐसी योजना बनाओ कि उसे अपने वश में कर लो और अपना नाम रूपनगर में सदा सदा के लिए अमर कर दो। हम आपके आदेश का पालन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो ठीक है राजवीर, तुम नागराज के साथ पूर्व दिशा में जाओ, हम पश्चिम दिशा में जाकर उस युवराज को खोजते हैं। जी आओ प्रवीर। चलो देखा महामहिम, मैंने जो कहा था वो सत्य हो ही गया। मंत्री वर ने हमें उस वनमानुष को वश में करने का आदेश दे ही दिया। हाँ नागराज, मंत्री वर अपनी बला को हमारे माथे पर डालकर चले गए। तुम्हारा अनुमान सही था, मंत्री वर बहुत धूर्त मनुष्य है। वो तो धूर्त है ही महामहिम, किंतु उनसे भी बड़ा धूर्त उनका भाई परमवीर सिंह है। उसी ने मंत्री वर को कहकर अपनी मुसीबत को हमारे स्तर पर डाल दिया। महामहिम, वो हमसे ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या।
हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि परमवीर सिंह और मंत्रीवर उस वन मानुष से बहुत डर गए हैं। अब डरेंगे क्यों नहीं महामहिम? सुना है कुछ समय पूर्व उस वन मानुष ने परमवीर सिंह और उस लोहा सिंह की जमकर पिटाई की थी, जमकर। लगता है परमवीर सिंह उस पीड़ा को अभी तक नहीं भूला है। परमवीर सिंह की छोड़ो और अपनी सोचो नागराज, समझ में नहीं आता हम क्या करें। मंत्रीवर तो अपने प्राण बचाकर भाग लिए और जाते जाते रूपनगर में हमें अमर होने का ज्ञान देकर गए। क्या तुम अमर होना चाहते हो? नहीं नहीं महामहिम, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस दानव युवराज के हाथों बिल्कुल नहीं मरना चाहता हूँ। यदि वो कभी मेरे सामने आ भी गया तो मैं तो वहीं ढेर हो जाऊंगा। महामहिम, शीघ्र ही यहाँ से निकलने की कोई युक्ति लड़ाई है। यहाँ इस जंगल में चारों तरफ संकट ही संकट है। नागराज, हम चाहकर भी महल वापस लौटकर नहीं जा सकते, क्योंकि मंत्रीवर ने हमें उस युवराज को पकड़ने का कार्य सौंप दिया है। यदि हम ये जंगल छोड़कर चले गए तो हमें फिर से मंत्रीवर के क्रोध का कोप झेलना पड़ेगा। याद करो, जब पिछली बार मंत्रीवर हम पर क्रोधित हुए थे तो हमने क्या क्या नाटक करके उन्हें मनाया था। आप ठीक कह रहे हैं महामहिम, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अपना बुरा समय टलने तक हमें मंत्रीवर और उनके दुष्ट भाई का बोझ अपनी पीठ पर लादना ही होगा। बस एक बार सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद मैं मंत्रीवर को पहचानने से भी मना कर दूंगा। नागराज, तुम कल की नहीं आज की सोचो और मंत्रीवर से कुछ सीखो। देखो मंत्रीवर ने क्या कूटनीति की चाल चली है। उस दानव को वश में करने के लिए हमें लगा दिया और रूपनगर में इस कार्य का यश वो स्वयं ले लेंगे। महामहिम, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। मंत्रीवर कितनी चतुराई से अपना दामन बचा गए और हमें यहां फंसा गए। बस एक बार मुझे अवसर मिल जाने दीजिए, उसके बाद मैं उनकी सारी कीर्ति और यश पर अपना पूरा विश उगल दूंगा, पूरा विश। पता नहीं इस मायावी जंगल में हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे परमवीर।
रुके भाई जी। क्या हुआ परमवीर, तुमने हमें क्यों रुकाया? वो देखिए दूर वहां पे वो पशुराज चला जा रहा है। पशुराज? कौन पशुराज? दूर वो जो युवराज जैसा युवक चला जा रहा है, वही भयानक पशु का रूप लेकर लोगों की हत्या करता है। हमारे सैनिक मिल्खा सिंह की भी उसी ने हत्या की है भाई जी। हम अभी अपने सैनिक भेजकर उसे जीवित या मृत अवस्था में पकड़कर लाने का आदेश देते हैं। सैनिकों, नहीं भाई जी, ऐसी भूल मत करना। यदि हमारे सैनिक उसे पकड़ने के लिए गए तो इनमें से कोई भी जीवित लौट कर नहीं आएगा। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हमने अपने नेत्रों से उसकी अलौकिक शक्तियां देखी है। आप केवल यहीं रुकिए और देखते रहे कि वो क्या करता है और कहां जाता है। किंतु परमवीर, ये पशु राज तो रूपनगर के विपरीत दिशा में जाने लगा है, ये अचानक पलट कर कहां जा रहा है? कदाचित इसे रूपनगर का मार्ग समझ में नहीं आ रहा होगा भाई जी, इसीलिए भटक कर ये जंगल की ओर जा रहा है। यदि इसका सामना दुर्गेश्वरी के गिरोह से हो गया तो ये उनका काल बन जाएगा और एक साथ हमारे दोनों शत्रु समाप्त हो जाएंगे। चलिए भाई जी, देखते हैं कि ये पशु जंगल में किस ओर जा रहा है। तुम ठीक कह रहे हो परमवीर, हमें छुपकर इस पर दृष्टि रखनी चाहिए। चलो चलो सैनिकों। क्या परमवीर, इस जंगल में तो एक नहीं, अभी तो कई पशुराज घूम रहे हैं। वही युवराज है जो भयानक पशु बनकर लोगों को समाप्त कर देता है, किंतु ये यहाँ क्या कर रहा है? अपनी पहचान बताए बिना चतुराई से पूछकर देखती हूँ कि ये दानव चाहता क्या है।
ठहरो पथिक। महामहिम के शत्रु मंत्रीवर रणवीर सिंह की मायावी शक्तियों को आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि डर से उसके प्राण ही सूख जाएंगे। आजकल वो रूपनगर की दूसरी मायावी शक्तियों को अपने सामने बहुत तुच्छ समझने लगी है। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा पतिक, कौन हो तुम? जो सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था तुम मुझसे वो सवाल पूछ रही पाखंडी युवती। तुम इस रूपनगर के चौकों में क्या कर रही हो? सत्य बताओ। मैं तो गांव की सीधी साधी युवती हूँ, रूपनगर जाने की ओर निकली थी किंतु अपना पथ भटक गई हूँ। क्या आप मुझे रूपनगर का पथ बताने की कृपा करेंगे? मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण युवती इस भयानक पथ पर अकेले जाने का साहस कर सके? नहीं। कौन हो तुम? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मैं सत्य कह रही हूँ। मैं पास के ही एक गांव विरारपुर की रहने वाली हूँ। रूपनगर की सीमा मेरे गांव के समीप ही है। असत्य कह रही हो तुम। अगर तुम रूपनगर की रहने वाली होती तो रूपनगर का पथ कभी नहीं भूलती। मेरे साथ छल कर रही हो? जिस भी मनुष्य ने मेरे साथ छल करने की कोशिश की है मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।